बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। दोस्तों, एक लड़की की शादी हुई तो शादी की पहली रात दूल्हा खाने का बड़ा सा थाल लिए हुए कमरे में आया। खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। कहने लगा, क्या हो, खाना खाते? बीवी बोली, मैंने देखा है कि तुम्हारी माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया, उनको भी बुला लो ताकि हम लोग मिलकर साथ खाना खा लें। शौहर ने कहा कि वो सो गई होगी, इन्हें छोड़ो, हम दोनों खाना खा लेते हैं। बीवी जिद करती रही, पर वो इसी बात पर अड़ा रहा कि नहीं, अम्मी को रहने दो। जब बीवी ने शौहर का ये रवैया देखा तो उसी वक्त तलाक का मुतालबा कर दिया। शौहर बड़ा हैरान हुआ और उसने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही, यहाँ तक कि तलाक हो गई, दोनों अलग हो गए। फिर दोनों ने दूसरी शादियाँ भी कर ली। 30-35 साल गुजर गए, औरत के बेटे हुए, बहुत मोहब्बत करने वाले, माँ का ख्याल रखने वाले। खैर, उसने इरादा किया कि हज करना चाहिए। सफ़र के दौरान उसके बेटे उससे किसी रानी की तरह पेश आ रहे थे, ज़मीन पर पाँव भी नहीं लगने देते थे। रास्ते में एक आदमी पर नज़र पड़ी जो बहुत खस्ता हाल नज़र आ रहा था। उसकी हालत ख़राब मालूम हो रही थी, भूखा प्यासा, बाल बिखरे हुए, कपड़े पुराने। उस औरत ने बेटों से कहा कि जाओ देखो कौन मुसाफिर है, उसे उठाओ, हाथ मुँह धुलाकर खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। चुनांचे बेटे गए, माँ ने जैसा कहा था वैसा ही किया। औरत की जब उस पर नज़र पड़ी तो उसको फौरन पहचान गई कि उसका वही पहला शौहर है जिससे उसने तलाक ले लिया था। उस औरत ने कहा, ये क्या किया वक्त ने तुम्हारे साथ? बोला, मेरी औलाद ने मेरे साथ भलाई नहीं की। औरत ने कहा, करती भी कैसे, तुमने अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया था। मैं उसी दिन जान गई थी कि तुम अपने माँ बाप के हुकूक अदा नहीं करते, इसलिए मैं डर गई थी कि कल को मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ये देखो आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। माँ बाप के साथ बुरा सलूक अल्लाह ताला की नाफरमानी है। अगर अपना बुढ़ापा हम शानदार गुजारना चाहते हैं तो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना होगा। यह ऐसा अमल है कि जिसका बदला दुनिया में ही दे दिया जाता है। अच्छा हो या बुरा, इंसान को देखना ही पड़ता है।